Hi everyone, welcome to the channel with Storyteller This Side, and today I'll be explaining to you the episode number 18 of the K-drama Moon Lovers. So without any further delay, let's get into it. एपिसोड 18 में हेसु योनवा पर यकीन करने को तैयार नहीं थी कि वो सो से शादी करने वाली है, पर योनवा कहती है कुछ बातें हैं जो सो तुमसे नहीं कह सकते, जैसे कि कैसे सारी पावरफुल फैमिली सो को थ्रोन से हटाने में लगी है, कैसे सो के कुछ डिसीजंस की वजह से लोगों में नाराज़गी बढ़ गई है। तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा और प्यारा सा कमरा जहां तुम सो का इंतज़ार करती हो, यही बस है। लेकिन जो औरत बस एक छोटे से कमरे से सेटिस्फाइड हो जाए, अगर वो क्वीन बन गई तो ये देश बहुत बड़े ट्रबल में आ जाएगा। हेसु कहती है, प्रिंसेस आप ये सब मुझे रोकने के लिए बोल रही है ना। योनवा कहती है, एक और बात, एक किंग ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जिसके शरीर पर स्कार हो। ये बात सुनकर हेसु सहम जाती है, क्योंकि वो भी ये सच्चाई जानती थी। इधर कोर्ट में वो सो से कहते हैं कि अगर उन्हें हेसु से शादी करनी है तो उन्हें थ्रोन त्यागना होगा, पर सो कहते हैं कि वो थ्रोन या हेसु में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और क्या वो को सच में ये लगता है कि महज एक दाग की वजह से सो हेसु को छोड़ देंगे? सो कहते हैं कि वो खुद अपने चेहरे के स्कार के साथ एक किंग बने हैं। कोर्ट में एक मिनिस्टर फिर सो से कहते हैं कि उन्हें प्रिंसेस योनवा से शादी के बारे में सोचना चाहिए, सारी फैमिलीज भी यही चाहती है, पर सो उनसे कहते हैं कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं। बाद में क्वीन दामिवॉन भी सो से कहती है, लेट किंग ने थ्रोन को बचाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, इसीलिए अब उसको बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को भी छोड़ दिया और अपने बेटी को आपको देने को तैयार हूँ। वो फिर सो को हेसु की लिखी एक किताब दिखाकर कहती है कि हेसु जो लिखती है वो किसी को पता नहीं, उसने दामिवॉन में जो किया है उससे पता चलता है कि वो एक आम लड़की नहीं है, ना ही उसका कोई बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी उसमें कई खामियां हैं। सो कहते हैं कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में हेसु चेरियोंग से कहती है कि सो उसे पैलेस में रहने देने के लिए मान गए हैं। चेरियोंग खुश हो जाती है। वो हेसु से पूछती है कि क्या सच में योनवा सो से शादी करने वाली है। तभी जीमोंग वहां आकर हेसु को अपने लैबोरेटरी दिखाने ले जाते हैं। वहां वो उसे सो से शादी ना करने को कहते हैं। सो तो उसे नहीं जाने देंगे, हेसु को ही उनसे दूर जाना होगा, पर हेसु कहती है कि वो ये नहीं करना चाहती, वो सो के साथ खुश रह सके इसीलिए उसने इतना इंतज़ार किया है, अगर उसे गिव अप करना ही होता तो वो कब का कर चुकी होती। लेकिन जीमोंग कहते हैं, यहाँ जो भी मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ, अगर तुम्हारी वजह से फिर किसी की जान गई तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगी? तुम किंग के लिए कंफर्ट का ज़रिया बन सकती हो, लेकिन उनकी ताकत कभी नहीं बन सकती। ये बातें सुनकर हेसु के चेस्ट में पेन होने लगता है। हेसु फिर सो के पास जाकर उन्हें बाहर मार्केट में साथ चलने को कहती है। बाहर आने पर वो दोनों याद करते हैं कि वो पहली बार कैसे मिले थे। वहाँ वो दोनों कुछ टाइम और स्पेंड करके तालाब के पास जाकर प्रे करके वापस आने लगते हैं। चलते चलते वो उस जगह आ जाते हैं जहाँ हेसु ने स्टोन्स को पाइल अप करके विश मांगी थी। वहाँ सो उससे कहते हैं कि वो उसके साथ रहना चाहते हैं और क्या वो उनसे शादी करेगी, पर अपनी फीलिंग्स को दबा के हेसु इमोशनल होकर कहती है कि वो उनसे शादी नहीं कर सकती। सो कहते हैं कि वो एक स्कार की वजह से उस पर गिव अप नहीं करेंगे। हेसु कहती है कि वो भी उनसे दूर नहीं जाएगी, वो हमेशा उनके साथ रहेगी, उन्हें कंफर्ट करेगी, अगर वो क्वीन बन गई तो वो जब चाहे उन्हें नहीं देख पाएगी, वो बस पैलेस के रूल्स के तले दब जाएगी और वो उसे सूट नहीं करता, और वो बिल्कुल ठीक है। सो कहते हैं कि भले ही वो उससे शादी ना कर पाए, लेकिन वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती, उनके लिए बस वो ही उनकी क्वीन है। सो योनवा से शादी कर लेते हैं। योनवा अब गोरियो की क्वीन बन चुकी थी। शादी की रात जब सो योनवा से दूर जाने लगते हैं तब वो उन्हें हेसु के खिलाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन सो कहते हैं कि वो बस एक क्वीन बनने पर फोकस करें और आइंदा से फिर कभी अपनी लाइन क्रॉस ना करें।
हेसु और चेरियोंग स्टोन्स के पाइल के आगे बात कर रहे थे कि कैसे लेडी हे भी ऐसे ही हीप्स तामिवान में बनाती थी। चेरियोंग फिर नीचे बैठकर प्रे करने लगती है। हेसु कहती है कि वो क्या प्रे कर रही है। चेरियोंग कहती है कुछ नहीं, उसकी फैमिली भी ठीक है और हेसु की भी तबीयत अब ठीक है और वो क्या मांग सकती है। दूर से उन दोनों को सो देख रहे होते हैं। कोर्ट में अब सारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। उनके सामने सो अपने रीन का नाम घोषित करते हैं। उनका एरा अब ग्वांगडोंग के नाम से हिस्ट्री में जाना जाएगा। सब इस बात पर हामी भरते हैं। फिर वो ये भी अनाउंस करते हैं कि जंग को पैलेस से बाहर चुंजू वापस भेज दिया जाएगा और अगर उन्होंने वापस सोंगाक में पैर भी रखा तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही क्वीन यू अपने होश खो बैठती है। उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और वो यौनवा से जंग को बुलाने को कहे जा रही थी, पर तभी वहाँ सो आकर कहते हैं कि वो खुद क्वीन की देखभाल करेंगे और किसी और को उनके कमरे में आने की परमिशन नहीं थी। बाहर जंग अपनी माँ से मिलने आते हैं पर उन्हें क्वीन से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती। हेसु सो को मनाने की कोशिश करती है कि वो जंग को अपनी माँ से मिलने दे, पर सो उल्टा उस पर ही नाराज़ हो जाते हैं। जंग 5 दिनों तक क्वीन यू के कमरे के बाहर सोल्जर्स के सामने खड़े रहकर ये होप कर रहे थे कि शायद उन्हें उनकी माँ से मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिलती। क्वीन यू ने 5 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। वो बार बार जंग को देखना चाहती थी और उनका नाम लिए जा रही थी। ये देख कर सो कहते हैं, देखिए कौन सा बेटा आपका ध्यान रख रहा है। यो तो इस दुनिया से ही जा चुका है और आपका प्यारा बेटा जंग वो तो आपके साथ भी नहीं है। आपके पास बस मैं ही बचा हूँ। मैं किंग भी बन चुका हूँ और अब आपकी रक्षा भी कर रहा हूँ। क्वीन यू को पास्ट में सो ने कही कड़वी बातें याद आती हैं। सो कहते हैं कि वो उनके नाम का पूरे गोरियों में सबसे बड़ा टेम्पल बनवाएंगे, उनके बारे में कहानियाँ बनाएंगे और चारों ओर फैला देंगे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मैं आपका इकलौता प्रेशियस बेटा बन जाऊँगा और ये मेरा बदला है मुझे आपका बेटा होते हुए भी छोड़ देने के लिए। क्वीन यू की सांसें गहरी होती जा रही थी पर सो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वीन यू अपनी आखिरी सांसें लेती है और सो उनका हाथ अपने हाथों में थामे फूट फूट कर रोने लगते हैं। हेसु जंग को ये खबर देती है। वो सहमे हुए अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं। सो कोर्ट में प्रिंस वांगवॉन को बुलाकर पूछते हैं कि क्रोन प्रिंस के बेदिंग वाटर में मर्क्यूरी मिलाने का प्लान आखिर किसका था। फिर वो कहते हैं कि चेरियोंग को भी दामिवॉन पैलेस में लाने वाले तुम और वूक ही थे। फाइनली वांगवॉन कन्फेस करते हैं कि पूरा प्लान वूक और प्रिंस यू का था। उन्होंने बस उन्हें जैसा कहा गया वैसा ही किया। हेसु को चेरियोंग कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर कुछ कोर्ट लेडीज़ इकट्ठा हुई दिखती हैं। एक कोर्ट लेडी को कारपेट में लपेटकर लकड़ी से पीटा जा रहा था और सो ने कोर्ट लेडीज़ को ये देखने को कहा था ताकि कोई पैलेस में बिना समझे बातें ना बनाए। हेसु को जीमोंग से पता चलता है कि वो कोर्ट लेडी चेरियोंग है और उसने एक सीरियस क्राइम किया है। हेसु जैसे ही खून से सनी चेरियोंग को देखती है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हेसु जब जागती है तो सो उसके पास बैठे हुए थे। वो उनसे कहती है कि वो एक इंसान को जानवरों की तरह कैसे मौत दे सकते हैं। सो कहते हैं कि चेरियोंग इतने दिनों से उस पर जासूसी कर रही थी और क्रोन प्रिंस के नहाने के पानी में भी मर्क्यूरी उसी ने मिलाया था। उसी की वजह से उन पैलेस से बाहर नहीं जा पाए और मारे गए। उसे माफ़ करने का उनके पास कोई रीज़न ही नहीं था। हेसु कहती है चेरियोंग की बस एक ही गलती थी कि वो स्लेव बनकर पैदा हुई। वो मेरे लिए एक छोटी बहन जैसी थी। सो हेसु को आराम करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हेसु को अपने कमरे में एक लेटर मिलता है जो कि चेरियोंग ने लिखा था, यानी कि चेरियोंग पढ़ना लिखना जानती थी। उसने लिखा था, माय लेडी, मेरी फैमिली का ध्यान रखना। मुझे पता है कि एंड आने वाला है। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन अब मेरे पास इसका मौका भी नहीं है। मैं बस एक ऐसे इंसान हूँ जो एक बार प्यार करने के बाद रुक नहीं पाई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में चेरियोंग जब रास्ते पर खाने के लिए भीख मांग रही थी तब प्रिंस यू ने उसकी मदद की थी, तभी से वो उनसे प्यार कर बैठी। प्रेजेंट में हेसु आगे पढ़ती है,
मुझे पता है कि आप ज़रूर ये बात समझेंगी। चेरियों कोई रिग्रेट नहीं करती और ना ही किसी से वो नाराज़ है। कुछ करने में वैल्यू है या नहीं, इसका जवाब आप खुद अपने आप को दे सकती हैं। हेसू को और बुरा लगता है। रात को यौनवा सो के करीब जाने की कोशिश करती है। उसे सो से एक बेटा चाहिए था, पर सो उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि अगर वो चाहती है कि उनका बेटा क्रोन प्रिंस बने तो उन्हें अपनी फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे और सिर्फ उनकी बनकर रहना होगा। ये बात सुनकर यौनवा सोच में पड़ जाती है। हेसू अब पैलेस की क्रूयल जिंदगी से पूरी तरह थक चुकी थी। वो सो की दी हुई हेयर पिन अपने हाथ में लिए खड़ी होती है, तभी बेका उसे ढूंढते हुए आते हैं। वो बेका को अपनी हेयर पिन जंग को देने को कहती है और साथ में ये मैसेज भी देती है कि वो जंग से कहे कि हेसू चाहती है। बेका रिपीट करते हैं, मैं चाहती हूँ। हेसू पैलेस से बाहर जाने को तैयार थी। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपको इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।